जर्मनी के शहर म्यूनिख में इस समय सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस का आयोजन हो रहा है। इस कार्यक्रम में दुनिया भर के प्रतिनिधि पहुंचे हुए हैं। सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के इसी कार्यक्रम में जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्स ने भारत के विदेश मंत्री का जिक्र करते हुए एक बड़ा बयान दिया है। शोल्स ने अपने बयान में जयशंकर का जिक्र करते हुए यूरोप पर दिए गए उनके बयान को सही करार दिया है और उनका समर्थन किया है। शोल्स ने जयशंकर के जिस बयान की तारीफ की है वो उनकी तरफ से पिछले साल जून में स्लोवाकिया में आयोजित एक सम्मेलन के दौरान दिया गया था। जयशंकर के इस बयान की भारत में काफी तारीफ हुई है और ये बयान सोशल मीडिया पर भी काफी वायरल हुआ था। जयशंकर ने जून 2022 में स्लोवाकिया के ब्रातिस्लावा में आयोजित ग्लोबसेक ब्रातिस्लावा फोरम में यूरोप को उसके रवैये पर जमकर फटकार लगाई थी। उन्होंने इस दौरान रूस और यूक्रेन युद्ध में भारत का रुख स्पष्ट किया था। इस दौरान भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर से पूछा गया था कि उन्हें क्या लगता है कि यूक्रेन के लिए दूसरों की मदद नहीं करने के बाद चीन के साथ समस्या होने पर कोई नई दिल्ली की मदद करेगा। इस पर विदेश मंत्री ने जवाब देते हुए कहा था कि यूरोप को इस विचारधारा से आगे निकलना होगा कि यूरोप की समस्याएं दुनिया की समस्याएं हैं, लेकिन दुनिया की समस्याएं यूरोप की समस्या नहीं है। जयशंकर की यूरोपियन विचारधारा वाले बयान के समर्थन में शोल्स ने कहा कि यूरोप को इस विचारधारा से आगे निकलना होगा कि यूरोप की समस्याएं दुनिया की समस्याएं हैं, लेकिन दुनिया की समस्याएं यूरोप की समस्याएं नहीं है। सम्मेलन में जर्मन चांसलर ने भी इस मानसिकता में बदलाव करने का सुझाव दिया। शोल्स ने कहा कि भारतीय विदेश मंत्री की ये टिप्पणी म्यूनिख सुरक्षा रिपोर्ट में शामिल है और यदि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में मजबूत कानून होता है तो ये अकेले यूरोप की समस्या नहीं होगी। जर्मन चांसलर ने कहा कि गरीबी और भुखमरी जैसी चुनौतियों का हल निकालने के लिए हमें एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के साथ मिलकर काम करना होगा। शोल्स के मुताबिक जयशंकर के बयान में बहुत दम है। आइए अंत में सुन लेते हैं जयशंकर के उस वायरल बयान को जिसे अब जर्मन के चांसलर ने बिल्कुल सही बताया है और जिसके बाद दुनिया को भारत की ताकत का एहसास हो गया था। नंबर वन, द यू नो व्हाई आई वांटेड टू इंटरप्ट यू इन अ वे, आई मीन आई एम पार्टली रिएक्टिंग टू द प्रीवियस ऑब्जर्वेशन। यू नो समवेयर यूरोप हैज टू ग्रो आउट ऑफ द माइंडसेट that Europe's problems are the world's problems, but the world's problems are not Europe's problems. That it's, if it is you, it's yours, if it is me, it's ours. I think that's something, and I see, you know, reflections of that. Again, in terms of, you know, there is a linkage today which is being made, you know, a linkage between China and India and what's happening in Ukraine. So come on guys, I mean, China and India happened way before anything happened in Ukraine. हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।